दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी का दोस्त लवि। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आप सभी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं और काफ़ी बेनिफिट वाला टॉपिक है। तो आशा यही करते हैं पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और सीखिएगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में आपको मैं बताऊँगा कि आप अपने स्मार्टफोन से किस तरह से अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड 5 मिनट के अंदर चुटकियों में चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने काफ़ी सारी एप्लीकेशन ऐसी प्ले स्टोर में देखी होगी जो उपलब्ध भी है, जिससे आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। मगर दोस्तों, आपने ये भी चीज़ नोट करी होगी कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उससे आप बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो वो आपको फिनिशिंग नहीं मिल पाती है, तो आप निराश हो जाते हैं। और जहाँ पर भी आप अपनी फ़ोटो को अपलोड करते हो तो साफ पता चल जाता है दोस्तों कि आपने प्रोफेशनल तरीके से जो अपनी जो बैकग्राउंड है वो चेंज नहीं करा। साइड साइड में कभी कभी कट वगैरह रह जाता है, आधा हिस्सा रह जाता है, उसकी वजह से फिनिशिंग नहीं आ पाती हमारी फ़ोटो में। तो आज मैं आपको एक एप्लीकेशन से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जो आपकी प्रोफेशनल तरीके से आपकी फ़ोटो को एडिटिंग करती है दोस्तों, और 5 मिनट के अंदर आप उस फोटो में अपनी एडिटिंग और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग ला सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। चलिए फिर सीखते हैं। स्टार्ट करने से पहले, टिप्स एंड ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड, वो सीधा आपके मेल पे आएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स, तो उनसे निवेदन है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड मनी अर्निंग ऐप्स और अलग एप्लीकेशंस लाता हूँ एंटरटेनमेंट वाली, वो सीधा आपके नोटिफिकेशन बार में आ जाती है, आप इजीली तरीके से उसको वॉच कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें प्ले स्टोर पर चलना है, तो प्ले स्टोर पर चलते हैं। प्ले स्टोर पर दोस्तों, आपको सर्च बार पे यहाँ पे टाइप करना है स्टिकेट फोटो स्टिकेट मेकर। 1 मिलियन लोगों ने इस एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड कर चुके हैं। 4.0 की इसकी रेटिंग चल रही है, और जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, इजी टू यूज़ है, यूज़फुल है, और काफ़ी देखिए कमेंट्स इसकी काफ़ी अच्छे हमें यहाँ पर प्रोवाइड हो जाते हैं। और दोस्तों, आपको पता ही है दोस्तों, 4.0 की जो 4 पॉइंट से ऊपर की जितनी भी रेटिंग वाली एप्लीकेशंस होती है वो काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है हमारे प्ले स्टोर के अंदर। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो ओपन करते हैं और सीख लेते हैं किस तरह से हम कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, इंटरफेस आपका इस एप्लीकेशन का इस तरह से आता है। काफ़ी सारे आप ऑप्शन नीचे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन आता है टेक ए फोटो, मतलब आप कोई फ़ोटो खींच के इसमें एडिटिंग सीधा कर सकते हैं डायरेक्टली। एल्बम का मतलब दोस्तों, आप अपनी गैलरी से कोई भी आप फोटो सेलेक्ट करके उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। सर्च का मतलब दोस्तों, आप गूगल से कोई भी इमेज को यहाँ से सर्च करके उसको सीधा एडिटिंग में यहाँ पे कर सकते हैं। प्रिंटर हो गया दोस्तों, आपका प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, अगर ये चीज़ दोनों आपके पास अवेलेबल है तो आप इसके माध्यम से भी इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए, मैं तो दोस्तों अभी एक फ़ोटो एडिटिंग करता हूँ, तो मैं एल्बम पर क्लिक करता हूँ। तो एल्बम पे जाते ही दोस्तों, आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो एल्बम आपको सीधा आपकी गैलरी में ले जाएगी। तो गैलरी में आप अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है यहाँ पे, तो फोटो दोस्तों मेरी इस तरह से आ जाएगी। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन देखिए, जिसके नीचे लिखा हुआ है FG, दूसरे ऑप्शन के नीचे लिखा है BG, और तीसरे ऑप्शन के नीचे लिखा है FG पेंट और इरेजर और पेन जूम। ठीक है दोस्तों, जो हमें फर्स्ट पे क्लिक करना है, पहले BG पे क्लिक करना है। BG पे जैसे ही क्लिक कर लेंगे, अब दोस्तों क्या करना है, BG का वर्क क्या होता है, आप अपने बैकग्राउंड को चेंज करना है तो आपको बैकग्राउंड के यहाँ पे एक तरह की लाइन खींचनी है, ब्लैक बैकग्राउंड के पास, जहाँ जो आपको चेंज करना है यहाँ से इस तरह से। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, अपनी फ़ोटो को कट करके इस बैकग्राउंड से हटाना है। तो आप क्या करेंगे, इसके साथ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे FG पे, तो आप अपनी फ़ोटो के ऊपर लाइन ऐसे खींचेंगे इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं लाइन इस पर खींच रहा हूँ तो ये इसने मेरी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है यहाँ से, और देखिए मेरी फ़ोटो अब सिलेक्ट हो चुकी है। अब दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ऊपर देखिए सबसे ऊपर निशान एक एरो बना हुआ है राइट की तरफ से, जहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए जहाँ पे घूम रहा है गोल गोल, तो यहाँ पे इस एरो पे आपको क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारी फ़ोटो है ये हमारी निकल चुकी है इस बैकग्राउंड से बाहर। अब आप चाहते हैं दोस्तों, आपके पास कोई बेहतरीन कोई बैकग्राउंड पड़ा हुआ है आपके पास फ़ोन में, और आप चाहते हैं कि आप उसको सेट करना चाहते हैं इस फ़ोटो के पीछे, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको फ़ोटो में आपके जब बैकग्राउंड इस तरह से हो जाएगा तो आपको फ़ोटो पे क्लिक करके ऐसी बाउंड्री आ जाएगी ब्लू रंग की, इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी फ़ोटो को। जैसे मान लीजिए मुझे इतनी फ़ोटो रखनी है, तो आप इसके साइड में इस तरह से फ़ोटो के स्वैप करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरह से रब करेंगे यहाँ पे। रब करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, फिल बिग पे क्लिक करना है। नीचे देखिए अब नए ऑप्शन आ गए, स्टाइल का आ गया, आउटलाइन का आ गया, फिल बिग, तो आपको फिल बिग पे उसके बाद क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों देखिए, अगर आप अपनी कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड पे, तो फोटो एल्बम से ले सकते हैं, या फिर कलर पेंट करना चाहते हैं तो कोई कलर लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से कलर पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे आपको कलर मिल जाएगा। जैसे ब्लैक हो गया है तो ये देखिए मेरी फोटो इस तरह से ब्लैक बैकग्राउंड के पीछे आ गई और काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से आई है दोस्तों। देखिए साइड में बिल्कुल भी मार्क जो है बाहर की साइड नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी एकदम प्रोफेशनल फोटो लग रही है। अब हमें दोबारा से अगर इस पर बैकग्राउंड चेंज करना है तो हमें दोबारा से इस पर रब करना है साइड में इस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ ब्लैक ब्लैक पोर्शन पे आपको। उसके बाद आपको FLG बिग पे क्लिक करना है, दोबारा को कलर पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए कलर पे पेंटर पे क्लिक करेंगे तो पेंटर पे काफ़ी सारे आपको बैकग्राउंड ऐसे मिल जाएंगे हार्ड रफ वुड का और काफ़ी सारे इफेक्ट्स वाले, तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों इस तरह से। अब आप चाहते हैं दोस्तों आपकी कोई मनपसंद फ़ोटो है उसको बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो दोबारा से आपको वही स्टेप फॉलो करना है। इसकी जो पीछे का बैकग्राउंड है वुड वाला, उस पर रब करना है इस तरह से। रब करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए फिल बिग पे दोबारा क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको फ़ोटो एल्बम पे जाना है। फ़ोटो एल्बम पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी गैलरी पे ये ले जाएगा फ़ोन की और वहाँ से आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी यहाँ पे। तो मान लीजिए मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है इस तरह से मनी की, तो ये देखिए जो मेरी फ़ोटो है मनी के पास आ गई है, डॉलर के पास निशान के बाद। अब देखिए दोस्तों आप अपनी फ़ोटो का साइज़ बड़ा कर सकते हैं, जैसे मेरे को इतनी ये फ़ोटो रखनी है, मैंने इतनी इस फ़ोटो को रख लिया। अब देखिए दोस्तों अब आपको इस फ़ोटो की बैकग्राउंड में स्टाइल लगाना है तो स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन पे नीचे। स्टाइल में देखिए अगर आपको शेडो लानी है तो शेडो पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए शेडो आ गई है इस तरह से, जैसे कि आपको दिख रहा होगा फ़ोटो के आसपास शेडो आ गई। और आपको ब्लैक शेडो लानी है तो आप इस पर साइड वाल पर क्लिक कर देंगे, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर वाइट शेडो लानी है तो वाइट पर क्लिक करेंगे। पहले दोस्तों आपको क्या करना है ये अभी देखिए सिलेक्ट कि मतलब अभी अप्लाई ने, तो पहले आपको फ़ोटो पे इस तरह से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए बाउंड्री आ गई, उसके बाद आप शेडो पे क्लिक करेंगे तो उस तरह से आपकी देखिए डार्क शेडो आ गई। अब आपको वाइट शेड लाना है बैकग्राउंड पे तो वाइट आ गया, उस पर एक एक करके क्लिक करते जाइए, शेडो के साथ वाइट लाइन आ गई इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसमें, और इस तरह से भी आप अपना स्टाइल दे सकते हैं। तो चलिए मैं तो उसको शेडो का स्टाइल दे देता हूँ बैक में पीछे इस साइड से। तो अब आपको लगता है दोस्तों अगर आपकी फ़ोटो प्रोफाइल परफेक्ट हो गई है, अब आप चाहते हैं इसको सेव करना है या फिर सीधा ही इसको शेयर करना चाहते हैं तो ऊपर ऑप्शन देख सकते हैं शेयर के बटन पे जो एरो बना हुआ है इस पर आप क्लिक करके डू यू वांट टू शेयर दिस एडिटिंग इमेज, तो आप ओके कर देंगे इस पर। तो ओके करते ही ये एप्लीकेशन जो आपकी ये जो इमेज है ये आपकी सेव हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए आपके पास शेयरिंग के माध्यम काफ़ी जो आपके फ़ोन में होगी सोशल साइट वो उसकी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी और डायरेक्ट आप क्लिक करके वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप या काफ़ी सारी आपकी एप्लीकेशन होगी ऐसी तो उसके माध्यम से फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, या फिर आपको सीधा ही इस एप्लीकेशन को अपनी गैलरी में सेव करना तो शेयर के साथ में देखिए फोल्डर का निशान बना रहा है तो फोल्डर पर आप क्लिक कर देंगे, या फिर सेव इमेज आ रहा है ऑप्शन और सिलेक्ट इमेज है तो हमें ऑल पे क्लिक कर देना है। ये डू यू वांट टू सेव दिस एडिटिंग इमेज, तो हमें ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी जो फ़ोटो तैयार हुई है बनके बैकग्राउंड चेंज होके तो ये हमारी गैलरी में सेफ हो सकी है। तो चलिए फिर गैलरी में चल के एक बार देख लेते हैं, मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और दोबारा से हम अपनी गैलरी में चल लेते हैं। तो मैंने अपनी गैलरी में क्लिक कर लिया है, तो गैलरी जो जैसे कि ओपन हो चुकी है और ये देखिए दोस्तों स्टिक इमेज नाम का ऐसा एक फोल्डर बन जाएगा। जैसे देखिए मैंने ये पहले भी कल एक फ़ोटो एडिटिंग करी थी, देखिए कितनी प्रोफेशनल तरीके से एडिटिंग हो चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये वाली जो हमारी फ़ोटो अभी जो एडिटिंग हुई है दोस्तों। और दोस्तों फिर आपको अगर इसमें और एडिटिंग करनी होती है फ़ोटो में तो यहाँ पे देखिए आउटलाइन का ऑप्शन भी आ जाता है, आउटलाइन आप इसकी कर सकते हैं जितनी आप रखना चाहते हैं इसको आउटलाइन। और बाकी देखिए यहाँ पे आपको जो ऐड एडजस्ट पे क्लिक करना होता है तो यहाँ पे आप इसका ब्राइटनेस करना चाहते हैं फ़ोटो की ब्राइटनेस, बैकग्राउंड रख सकते हैं कितना आपको डार्क करना है, बाकी कलर में कितना आपको किस तरह से शेड देना है बैकग्राउंड में वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इफेक्ट देना चाहते हैं अपनी पीछे के बैकग्राउंड को तो आप इस तरह से दे सकते हैं। अगर आपको अपनी फ़ोटो में इफेक्ट देना है तो आपको फ़ोटो पर क्लिक करना है, ये बाउंड्री आ गई तो आपको इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों आपकी फ़ोटो पर इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया काफ़ी तरह तरह के, तो आप इस तरह से अपनी फ़ोटो पर इफेक्ट दे सकते हैं जितना आपको देना है यहाँ पे। उसके बाद आप सीधा अगर आप सेव करना चाहते हैं अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ऊपर आपके सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो डू यू वांट टू सेव, तो यस ओके करके ये हमारी फ़ोटो है जो ये भी अब सेफ हो गई है दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों आप काफ़ी इजी तरीके से अपनी जो फ़ोटो को है बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से दोस्तों। में देखिए साइड में कोई भी बाहर कोई भी हिस्सा नहीं निकल रहा है और काफ़ी अच्छी हमारी प्रोफेशनल पिक लग रही है। तो इसको आप फिर शेयर करके अपनी फेसबुक वगैरह पर अपलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों आशा करते हैं टॉपिक आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपका।